हेलो गाइस, मैं सूरज आज आपके नई वीडियो के साथ आया। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए, ठीक है। बीएससी थर्ड ईयर वाले जो भी स्टूडेंट है, और ये बॉटनी का होगा आपका सेकंड पेपर, ठीक है। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही चुके होंगे, क्वेश्चन भी पढ़ चुके होंगे, जेनेटिक कोड क्या होता है, इनकी विशेषता बताइए, ठीक है। तो हम इन दोनों के पॉइंट पॉइंट की बात करेंगे, और ये आपके लिए एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हमने दिया है। 3 नंबर का एग्जाम में आपका फंसेगा क्वेश्चन, देख लेना। मैं आपसे वादा करता हूँ, एक भी क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं उनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि जो हम बता रहे हैं वैसे आप याद करते हैं उन क्वेश्चनों को, यदि हमने इंपॉर्टेंट की वीडियो बना रखी है, नीचे डिस्कस में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप याद कर लीजिए। सारे सारे क्वेश्चन 18 क्वेश्चन दिए हैं, 18 से 19 क्वेश्चन होंगे बस, ठीक है। 18 से 19 क्वेश्चन आपके दिए हैं, आप इतने क्वेश्चन याद कर लें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 85% प्लस जाएगी वहाँ से, ठीक है। तो आपके ऊपर अंडर देखिए, और मैं कुछ गैस पेपर से भी, यहाँ मैं कुछ बच्चों से गैस पेपर ले लिए थे, तो मैं कुछ आपको दोनों से मिलाकर बताने चाहता हूँ कि कैसे कैसे याद किया जाता है। तो यहाँ बात करेंगे जेनेटिक कोड को, बिल्कुल शॉर्ट में समझते हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। देखिए बात करते हैं अनुवंशिक, जो अनुवंशिक कूट होते हैं वो होते क्या है। अनुवंशिक कूट को हम इंग्लिश में, अनुवंशिक जो कूट होते हैं उनके लिए हम जेनेटिक कोड कहते हैं इंग्लिश में, याद रखना। और क्या होता है, जेनेटिक कोड कहते हैं। फिर यहाँ से कह रहा है कि एमआरएनए जानते हैं, अणुओं में स्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का वह क्रम है। समझे, जो एमआरएनए है वो अणुओं मॉलिक्यूलर में स्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का वह क्रम होता है, या वह समूह होता है, या क्रम होता है, जिनमें क्या होता है, जिनमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश निहित होते हैं, ठीक है। जेनेटिक क्षारकों का वह क्रम होता है जिनमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए संदेश निहित होते हैं, और एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश देने वाला क्षारक, एक अमीनो अम्ल को संदेश देने वाला क्षारक के समूह को कोड कहते हैं, कोडोन कहते हैं, ठीक है। समूह को कोडोन कहते हैं, समझ में आ रहा है। अब यहां मैं आपको एक बार फिर से क्लियर करूंगा, देखिए अनुवंशिक कोड का जेनेटिक कोड एमआरएनए, अणुओं में स्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का वह क्रम है जिनमें प्रोटीन संश्लेषण, या प्रोटीन सिंथेसिस इंग्लिश में लिखेंगे, और संदेश निहित होता है, ठीक है, के लिए संदेश निहित होते हैं, और एक अमीनो अम्ल, केवल एक अमीनो अम्ल है, जहां भी एक अमीनो अम्ल है तो उनके लिए, मतलब उनके, मतलब संदेश देने के लिए, देने वाला एक अमीनो अम्ल को संदेश देने वाला जो क्षारक होता है, क्षारक के समूह को कोडोन कहते हैं, ठीक है। क्षारक के जो समूह होता है जो एक अमीनो अम्ल को संदेश देता है, उसी को हम कोडोन कहते हैं। अब क्या है, जेनेटिक कोड की खोज नीलवर्ग के और मेथाइन ने की थी। दो वैज्ञानिक थे, नीरेनबर्ग और मेथाइन ने की थी। कब की थी, 1961 में की थी, याद रखना। अब यहाँ नीचे चलते हैं और जान लेते हैं। देखिए यहाँ बात करने वाले हैं प्रारंभिक, जो प्रारंभिक कोडोन होते हैं वो कौन से होते हैं, और अंतिम कोडोन कौन होते हैं। देखिए प्रारंभिक 5 कोडोन होते हैं, सॉरी जो प्रारंभिक 2 होते हैं, मतलब टोटल कोडोन की संख्या 5 होती है, कहने का तात्पर्य यह था। अब देखिए प्रारंभिक कोडोन कौन कौन से होते हैं, पहले होता है ए यू और जी, ठीक है, और दूसरा होता है जी यू जी, ठीक है, और अंतिम कोडोन कौन कौन से होते हैं, या समापन कोडोन कहते हैं जिसे, वो होता है यू ए ए और यू जी ए और यू ए जी, ठीक है, ये कोडोन होते हैं। बस इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब बात कर लेते हैं विशेषता की, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉइंट समझ के, यहाँ देखिए यहाँ कह रहा है डीएनए में पाए, देखिए यहाँ सिंपली दे रखा है, एक समझिए, एक पॉइंट समझिए, यहाँ यहाँ अच्छी क्लियर करेंगे। देखो यहाँ कह रहा है कि डीएनए में 4 प्रोटीन न्यूक्लियोटाइड या क्षारक, न्यूक्लियोटाइड को हम क्षारक कहते हैं, पाए जाते हैं। तो डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, कितने क्षारक पाए जाते हैं, 4 डीएनए के अंदर, ठीक है, क्षारक पाए जाते हैं, जिनमें क्या होता है, जो विन्यास पर 20 प्रकार के अमीनो अम्लों के कूट आधारित होते हैं, जिनके ऊपर क्या होते हैं, जिनके विन्यास पर 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के कूट आधारित होते हैं, या कोड, जेनेटिक कोड आधारित होते हैं, ठीक है। यहाँ कहा जा रहा है कि अनुवंशिक कोड की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो यहाँ प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे ऑफ द जेनेटिक कोड्स। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ देखिए यहाँ कहे जा रहे हैं, समझ लो पहला पॉइंट्स डालेंगे, और देखिए टेरिप्लाट कोड को देखेंगे तो यहाँ लिखा है, यहाँ सिंपली लिखा है अनुवंशिक कोड में प्रत्येक कोडोन 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है या क्षारकों का बना होता है। जो प्रत्येक कोड होता है, प्रत्येक कोडोन होता है, मतलब जो अनुवंशिक जेनेटिक कोड का जो प्रत्येक कोडोन होता है, ठीक है, कोडोन जो होता है वो मतलब कि 3 क्षारकों का बना होता है, 3 न्यूक्लियोटाइडों का बना होता है, और ये डीएनए से आरएनए, एमआरएनए पर अनुलेखित होता है। किससे, यह डीएनए से एमआरएनए पर अनुलेखित होता है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मुझे बताओ, हो गया। तो यहाँ देखो फिर दूसरी हेडिंग डालेंगे आप, ठीक है, और इस पर लिखेंगे कॉम्प्लेंस को, देखिए
यहाँ डालेंगे और यहाँ लिखेंगे सिंपली ये हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है, या वरना हेडिंग डालना ज़रूरी पड़ता है, या फिर आप हेडिंग नहीं डालिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। आप हेडिंग तो याद कर सकते हैं लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप हेडिंग मत डालिए फिर भी चलेगा, या हेडिंग डाल देते तो और बेहतर रहेगा। फिर यहाँ लिखेंगे कि दो कोडोनों के मध्य, ठीक है, हेडिंग डाल के लिखेंगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है, तो दो कोडोनों के मध्य कोई विराम या बिस्ता जो रिक्त स्थान नहीं होता, ठीक है। उसके बाद में नॉन ओवर लिपिंग को देखेंगे, तो नॉन ओवर लिपिंग क्या होती है कि एक कोडोन के क्षारक किसी अन्य कोडोन पर भाग नहीं बनाते, ठीक है, एक कोडोन है उसका एक ही कोडोन वहीं की वहीं रहेगा, दूसरी जगह भाग नहीं बनाएगा। उसके बाद में देखिए यूनिवर्सिटी देखेंगे, यूनिवर्सिटी को देखेंगे कि कह रहा है एक कोडोन सभी जीवों में एक ही अमीनो अम्ल को कोडित करता है, मतलब जो कह रहा है यूनिवर्सलिटी होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है एक कोडोन सभी जीवों के एक अमीनो अम्ल को कोडित करता है, ठीक है, बस इतना ही लिख दीजिए, कोई जरूरत नहीं अगले लिखने की जरूरत, विशेषता हमें बता नहीं, चार पांच विशेषता लिखा ना, ज़्यादा जरूरत नहीं, ये पाँच छः दूंगा, वैसा छः विशेषता दूंगा उसके बारे में। और आपको फिर यहाँ देखिए एम्बिगुइटी लिख के बाद में यहाँ आपको लिखना है सिंपली, देखिए यहाँ क्या करना है, यहाँ बोला जा रहा है कि एक कोडोन केवल एक अमीनो अम्ल को ही कोडित करता है, ठीक है, एक अमीनो अम्ल केवल एक, देखिए एक कोडोन एक अमीनो अम्ल को कोडित करता है, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ देखो यहाँ फिर छठी हेडिंग डालने के बाद में सीधे यहाँ से लिखेंगे कि केवल दो अमीनो अम्ल को छोड़कर अन्य सभी अमीनो अम्ल एक से अधिक कोडोनों को कोडित करते हैं, तो कौन कौन से अमीनो अम्ल हैं वो ये देखिए दे रखा है, तो आई वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना, थैंक यू।